स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अजय चंद्राकर शुक्रवार के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के सातवां चरण के शुभारंभ करी। 10 सितंबर के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में प्रदेश में व्यापक अभियान चला के 1 ले 19 बच्चर तक के लयिका मल्ला कृमि के संक्रमण ले मुक्त करे जाही। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पहली स्वास्थ्य मंत्री अभियान के आगाज कर दी। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर शुक्रवार के अभियान के माध्यम ले कार्यक्रम में उपस्थित कुछ लयिका मन ला अपन हाथ ला दवाई खिलाई और मन ला चॉकलेट घलो बाटीस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में 10 सितंबर के प्रदेश में जम्मो लयिका मन ला कृमि के संक्रमण ले बचाए बर सातवा चरण बर व्यापक कृमि मुक्ति अभियान चलाए जाही। ए मौका में राज्य के 1 ले 19 बच्चर के लयिका और किशोर मन ला आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल मन कृमि नाशक दवा एल्बेंडा जोला खिला जाही। और कोनो कारणवश जे लयिका मन 10 सितंबर के कृमि नाशक दवाई ला नहीं खा पाइस ओ मन 14 सितंबर के मापक दिवस में कृमि नाशक दवा ला खिला के कृमि मुक्त करे जा सकत है। एखर बर राज्य सरकार कोथी ले 50,286 शिक्षक और 47,593 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षित करे गए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कोथी ले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान बर विभाग कोथी ले सबो आवश्यक तैयारी ला पूरा कर ले गए है। कृमि मुक्ति अभियान के पहली 6 चरण में प्रदेश के 94,08,000 लयिका मन ला कृमि नाशक दवा ला खिलाई गई रही से और एखर बाद सातवा चरण में 1,11,00,000 लयिका मन ला कृमि नाशक दवा ला खिलाई के लक्ष्य रखे गए है। गौरतलब है कि लयिका मन ला कई चरण में कृमि नाशक दवा ला खिला के पूरा तरह ले कृमि संक्रमण ले निजात दिलाए जाते। 1 ले 2 बच्चर के लयिका मन ला आधा गोली और 3 ले 19 बच्चर के लयिका मन ला पूरा 1 गोली दे जा सकत है। स्वास्थ्य आयुक्त साफ कह दे है कि कृमि ले मुक्ति पर आम लोगन मन ला जागरूक करे जाते। इसमें हमारा कृमि को मुक्ति करने के लिए हमारा मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए साफ सफाई में, बिकॉज ये बीमारी और ये आपका कृमि है वो एक्चुअली अनहाइजीनिक एरिया से, जैसे मेनली हमारा ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का मल से ही उसको ट्रांसमिशन होता है, तो उसी के कंट्रोल करने के लिए अन्य विभाग जैसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्वच्छता अभियान के माध्यम से इसका अच्छा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसी के काफ़ी परिणाम भी अच्छे हमको मिलने आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से साल में 2 बार हम लोग कृमि मुक्ति दिवस के माध्यम से सभी बच्चे जिसका उम्र 1 साल से 19 साल तक है तो उन लोगों के लिए हम लोग ये टैबलेट के माध्यम से भी कृमि को मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास किया जाता है। तो इसी के लिए सभी आंगनवाड़ी सभी स्कूल से लेकर कॉलेजेस ITIs पॉलिटेक्निक सभी बच्चे काम पे 1 साल से 19 साल तक का बच्चे उपलब्ध रहता है, तो उस सभी जगह में हम लोग 10 तारीख को टैबलेट्स देंगे और छूटे वाले बच्चे लोगों के लिए 14 तारीख को देंगे। इसके लिए लगभग 1,19,00,000 बच्चे लोगों के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करके रखा है, उसको हम लोग इस साल टारगेट करके देंगे। स्वास्थ्य विभाग के सचिव निहारिका सिहा बताई सवे कि कृमि मुक्ति कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में लक्षित लयिका और किशोर मन के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति और संज्ञानात्मक विकास और जीवन के गुणवत्ता में सुधार बर ओला कृमि मुक्त करना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तैयारी राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ले लयिका मन ला दवाई खिलाए बर 50,286 शिक्षक और 47,593 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षित करे गए है। 1 से 19 साल के सभी बच्चों को टारगेट करें, स्कूल्स तकनीकी शिक्षा इंस्टीट्यूशंस में हम 1 दिन में बच्चों को एल्बेंडाजोल का दवाई खिलाने की कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी कि हमारा 1 दिन में ही सब खत्म हो जाए। इनके हम नहीं कर पाएंगे तो एक जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें एक मॉपअप में हम कर लेंगे। कभी कभी होता है जिस बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा कृमि होता है वो दवाई खाने के बाद रिएक्शन में उसका पेट में दर्द होता है या थोड़ी बहुत उल्टी होती है, बट हमारे स्कूल टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, डॉक्टर्स रहते हैं आसपास जो उन्हें भी पता है ये मामूली सा रिएक्शन होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बल्कि मैं चाहूँगी आप मीडिया के हमारे साथी सब ये भ्रांति दूर करने के लिए हमारी सहयोग करें, पॉजिटिव स्टोरीज बताएं, लोगों को और प्रेरित करें। कृमि संक्रमण के सेती लयिका मन के स्वास्थ्य और समग्र विकास में बुरा प्रभाव पड़ सकत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार ले भारत में 5 ले 14 साल तक के 22 करोड़ से ज्यादा लयिका मन ला कृमि संक्रमण हो के संभावना हवे। कृमि नाशक दवा एल्बेंडा जोल दवाई के सेवन एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। दिस टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
प्रदेश के 40 लाख परिवार मल्ला 5 लाख रुपया तक के नगद रहित इलाज 16 सितंबर ले प्रारंभ करे जाही। योजना में शामिल 1200 उपचार के पैकेज पर अलगे अलगे दर ला निर्धारित करे गए है। वर्तमान में 191 अस्पताल मल्ला पंजीकृत करे जा चुके हैं और संगे में ही मरीज मन के इलाज पर वेलनेस सेंटर की स्थापना पूरा तरह ले कर ले गए है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1200 उपचार के पैकेज और 191 हॉस्पिटल मन के चिन्हांकित करे जा चुके हैं। 40 लाख परिवार मन ला 50 लाख तक के कैशलेस इलाज ये अस्पताल मन के माध्यम ले 16 सितंबर ले शुरू हो जाही। अब कोनो भी चिन्हांकित परिवार के पास में स्मार्ट कार्ड नहीं हो में अपन आधार कार्ड राशन कार्ड के माध्यम ले पंजीकृत अस्पताल मन में जाके उपचार करवा सकी। ए योजना के तहत 5 लाख तक के कैशलेस के सुविधा शासन कोती ला दे जाते। एकर बर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित जिला के सिविल सर्जन ला घलो संपर्क करे जा सकत है। एकर अलावा कोनो भी प्रकार के शिकायत हवे त ओखर बर टोल फ्री नंबर 104 जारी करे गए है जेहा राज्य शासन ह उपलब्ध कराए हवे। 104 एम अपन शिकायत ला दर्ज करा सकत हो। आयुष्मान योजना के शुरू होए ले पहली वेलनेस सेंटर ला घलो प्रारंभ कर दे जाही ताकि मरीज मन ला भटकना मत पड़े। एमा 135 मॉडल हेल्थ सेंटर हवे जिहा टेली मेडिसिन के जरिए ला एक डॉक्टर हर दूसर विशेषज्ञ डॉक्टर ले बातचीत करके इलाज ला कर सकी। ए बछर के आखिरी तक 800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण करे जाही और 2022 तक के उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मल्ला सबोला वेलनेस सेंटर के रूप में क्रियान्वित करे जाही। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1200 उपचार का जो पैकेज है और 191 जो हॉस्पिटल है उसका चिन्हांकन कर पंजीकृत किया जा चुका है। 40 लाख परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज इन अस्पतालों के माध्यम से 16 सितंबर से चालू किया जा रहा है। पात्र जो परिवार हैं यदि उनका आधार कार्ड राशन कार्ड है और पात्र परिवार उनका नाम है तो वो भी इलाज करा सकते हैं। वर्तमान में RSBI MSBI से जो कार्ड है उसका भी उसमें चलन किया जाएगा। यदि पात्र सूची में संबंधित परिवार का उनके परिजनों का नाम है तो उसका अपना इलाज करा सकता है। नया ये है कि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो उपचार की सुविधा है वो 16 तारीख से ये प्रारंभ हो जाएगा और 191 जो अपने हॉस्पिटल जो है चिन्हांकित किया गया है यहाँ पर जो पात्र परिवार है उनका इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के शुरू हुआ थी कमजोर आर्थिक स्थिति के परिवार मन ला राहत मिल जाही और संगे में ही अवैया बछर में सबो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मन ला वेलनेस सेंटर में परिवर्तित हो ले सबो केंद्र मन में मुफ्त में इलाज संभव हो पाही। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। बीते एक महीना ले छत्तीसगढ़ के कई जिला में एक संग डेंगू के कहर ला देखे जात रही से। सबले ज्यादा मरीज की संख्या राजधानी के करीब दुर्ग जिला में है। दुर्ग जिला के खुर्सीपार क्षेत्र सबले ज्यादा डेंगू ले प्रभावित हवे जिहां ले लगभग 20 ले ज्यादा मरीज मन के मौत हो जाए के खबर मिले है। फिर स्वास्थ्य विभाग ये आंकड़ा ला सही नहीं मानत है। ओकर मानबो त मौत के कारण दूसर घल हो सकत है। राजधानी के कई निजी और सरकारी अस्पताल मन में घलो दूसर जिला के मरीज मन इलाज कराए बर पहुंचते। एकर पुष्टि ला स्वास्थ्य विभाग करे है। स्वास्थ्य आयुक्त आर प्रसन्ना हा कही सवे कि डेंगू के प्रकोप अभी मात्र 50% बचे हवे, धीरे धीरे ओला कम करे जाही। वह मरीज के मौत में कही सवे कि वह अभी लगभग कम हो गए है। अभी घलो एक दो केस आए के सूचना मिले है। ओकर विभाग परीक्षण करवावत है। संगे में ही वह आम जनता ला पहली ले ज्यादा जागरूक रहे के बात कही। अभी डेंगू का पॉजिटिव केसेस था पहले अगस्त में लगभग सेकेंड और तेईस हफ्ता में रोज लगभग 200 से 250 पॉजिटिव केसेस आता था। वो अभी कम होते हुए 80 से 100 के बीच में आ गया, लगभग 50% से भी केस कम हो चुका है। और कहाँ तक डेथ का भी सवाल है वो भी लगभग कम हो चुका है। अभी एक या दो केसेस का कभी कभार आने का सूचना मिल रहा है तो उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी डेथ का केसेस भी कम हो गया बिकॉज अभी हमारा रेफरल भी थोड़ा सा अच्छा हो गया। लोग भी पहले से अवेयरनेस के कारण पहले से आना भी शुरू हो गया है। 2000 से ज़्यादा लोग एडमिट हुआ था उसमें लगभग 1600 या 1700 के आसपास डिस्चार्ज भी हो चुका है और अभी सिचुएशन काफ़ी कम होते जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ जोगी कांग्रेस अपन प्रत्याशी मैदान में उतर गए।
भूपेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के महासचिव शकुंतला साहू हा मैदान में हवे। जोगी कांग्रेस कोती ले महामंत्री अब्दुल हामिद हयात हा ये टिकट के ऐलान करी से। एकर पहली दफा जब पार्टी कोती ले केवल एक नाम हा ऐलान करे रही से। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल हा घलो पाटन विधानसभा ले अपन दावेदारी बर ब्लॉक अध्यक्ष ला अपन बायोडाटा सौंपे रही से। एकर पहली घलो भूपेश हा पाटन ला चुनाव लड़ चुके है और वर्तमान बेरा मा विधायक घलो हवे। लिहाजा ये घाव वकर टिकट पाटन ले ही तय माने जाते। ऐसे में जोगी पार्टी के शकुंतला साहू हा ओला टक्कर दे बर मैदानी तैयारी में जुट गए है। भारतीय संस्कृति में बहुत अकन ऐसे ग्रंथ और पात्र हवे जेमन हा संचार के क्षेत्र में बहुत बड़े काम करे है। इस सोच के संग में शुक्रवार के कुशभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कोती ले वैश्विक संस्कृति में हनुमान एवं आध्यात्मिक संचार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन करेगी। इस संगोष्ठी में पत्रकारिता के छात्र मन ला आध्यात्मिक संचार के बारे में बताएगी। एक संगे में ही श्री हनुमान के जीवन ले जुड़े कुछ अहम बात ला छात्र मन ला घलो बताएगी। संगोष्ठी में आए विद्यार्थी मन हा भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर में अध्यात्म के महत्ता के बारे में जानकारी देगी। और संगे में ही आध्यात्मिक संचार ले विद्यार्थी मन के जीवन में अवैया परिवर्तन के बारे में घलो बताएगी। इस संगोष्ठी में आध्यात्मिक संचार ले जुड़े देश के कई प्रवक्ता मन हा छात्र मन ले रूबरू होइस। आध्यात्मिक संगोष्ठी में पत्रकारिता के छात्र मन के अलावा दूसरा यूनिवर्सिटी के छात्र मन हा घलो भाग लीस। तो आज का ये जो वर्कशॉप है, जो संगोष्ठी है, वो निश्चित रूप से सार्थक रहा और इसमें काफ़ी उपस्थिति रही और जो विद्वत जन हैं उन्होंने संचार के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई हैं। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं न कहीं उसका निचोड़ आगे आएगा और वो समाज उपयोगी हो। अब जाजा देखा फिर देखता खबर के सुर्खी मल्ला। खराब मौसम हा बदलिस अटल विकास यात्रा के दिशा, अमली पदर के जगह बागबाहरा पहुंची रमन। स्वास्थ्य मंत्री हा राष्ट्रीय कृषि मुक्ति अभियान के करी शुभारम्भ, लैका मल्ला देगी कृषि नाशक खुराक। अब आध्यात्मिक संचार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के होइस आयोजन, विश्वविद्यालय के छात्र मन हा होइस शामिल। अब आप मन हा देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला हमारे यूट्यूब चैनल में घलोक देख सकत हो। जोहार रायपुर में आज बस इतना ही, मोला दो विदा, जय जोहार।